हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक इजी कैनिस्टर फिल्टर कैसे बनाया जाए। और ये बिल्कुल आसान से चीज़ों से बना हुआ है जो आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ 4 इंच के पाइप का यूज़ कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो कम भी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से आप देख कर एक बार ले लीजिए और ये किसी भी साइज़ में बन सकता है। तो पहले मैं इस एक्सेस पार्ट को काट कर बाहर निकाल दूँगा। ये जो कनेक्टर पाइप है, कनेक्टर पीस, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो पाइप है ये बहुत पतली होती है, तो इसके चलते इसमें स्क्रूज़ वगैरह या नट्स और बोल्ट्स का यूज़ करने पे बहुत मज़बूत बेस नहीं मिलता है। तो इसके लिए ये जो कनेक्टर है ये एक मज़बूत बेस का काम करता है और ऑल पर्पज़ सिलिकॉन है ये, जैसे एक्वेरियम वगैरह हम फिक्स करने में यूज़ करते हैं। तो इससे एक लीक प्रूफ यहाँ पर सील मैं बना रहा हूँ। हम इसके बेस पे कैप को फिक्स करेंगे, तो उसके लिए हम इसे किसी भी गैस के ऊपर या हॉट एयर ब्लोअर होता है उससे आप उसे हीट करिए तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें जो इसका बेस कैप है उसको फिक्स कर देंगे और ये हमारा बॉटम पार्ट है। अब मैं ये पीवीसी सीमेंट है और जो भी गैप्स है मैं उनको इससे अच्छे से भर दूँगा। मैं एक्सेस ग्लू को फिंगर से अच्छी तरह स्मूथ कर दूंगा, ये हमें बिल्कुल एक बहुत अच्छी स्मूथ फिनिशिंग देगी और फिल्टर ये जो जॉइंट्स है ये बिल्कुल ढक जाएंगे अच्छी तरह से। तो अब मैं कैप के ऊपर पीवीसी सीमेंट देकर इसे अब परमानेंटली फिक्स कर दूंगा। तो ये हमारा बेस का पार्ट है और जो बचे हुए गैप्स हैं मैं उनमें सीमेंट अच्छी तरह से भर दूंगा और फिर इसे फिंगर से हम स्मूथ कर देंगे। तो अब हम इसके लॉकिंग मैकेनिज्म से काम करेंगे। मैंने कैप के ऊपर सेंटर लाइन लेके 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है जिस पे हम ब्रैकेट्स को लगाएंगे। तो ये ब्रैकेट्स 3 ऊपर की ओर और 3 नीचे की ओर होंगे और स्क्रूज इनके थ्रू ही आपस में कनेक्ट होंगे। इसमें कुछ एम्बॉस्ड लाइन है जिन्हें हमें घिसना पड़ेगा ताकि हम वहाँ ब्रैकेट्स को अच्छी तरह से फिट कर सकें। और ये ब्रैकेट है जिसका एक पार्ट आपको कट करना है डायग्राम के हिसाब से। हम इन ब्रैकेट्स के साथ टॉगल लॉक्स भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि टॉगल लॉक्स जो होते हैं बहुत महंगी होती हैं, तो हमारा बिल्कुल बजट बिगड़ जाएगा इसमें और उतना किफ़ायती नहीं रहेगा। तो कैप के ब्रैकेट्स के लिए मैंने सेम एल ब्रैकेट को हाफ कट कर दिया और 2 होल्स हमें चाहिए होंगे, तो एक ब्रैकेट में हमारा 2 पीस आ जाता है। और बिल्कुल जो सेंटर लाइन से हमने लाइंस ली थी उस पर हम मार्किंग कर देंगे ताकि वहाँ ड्रिल करके हम स्क्रू को लगा सकें। अब मैं अपने सबमर्सिबल पंप के लिए जो हमारा आउटलेट होगा उसके लिए एक होल बनाऊंगा। तो मैंने पंप के जो
आउटर ट्यूब से उसके नाप का यहाँ पे एक होल तैयार किया है। हम अपने इनलेट के लिए कैप के ऊपर एक होल बनाएंगे। तो ये टैंक निपल का मेल पार्ट है और मैं एक वॉशर की मदद से इसमें जो रिड्यूसर है अपना उसे मैं टाइट कर दूंगा और ये काफ़ी अच्छा सील तैयार करता है तो इसमें लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम जो हमारा पंप का कनेक्टर है उसे पूरी तरह से बेस में अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे जो होल हमने तैयार किया था उसके अंदर। ये पार्ट जो है ये अंदर की ओर रहेगा यानी कि इसके ऊपर हम एक एंगल कनेक्टर जोड़ने वाले हैं और वही है जो हमें फ्लेक्सिबल पाइप तक लीड देगी और ये हमारा आउटलेट बनेगा। तो मैंने एक मेल टैंक निपल है उसे एल कनेक्टर के साथ जोड़ दिया है और फिर हम वॉशर के साथ रिड्यूसर लगाते हैं और हमारा जो आउटलेट है उसका पोर्शन तैयार हो जाता है। अब हम उसे अच्छी तरह से पंप कनेक्टर के ऊपर फिक्स कर देंगे और इसके लिए हम पीवीसी सॉल्वेंट या सीमेंट आप जो भी बोल सकते हैं उसका यूज़ करेंगे और अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ हमें एक प्रॉपर सील चाहिए ताकि आगे चल के हमें लीकेज की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट्स जो कट किए थे उन्हें मैंने अच्छी तरह फिक्स कर दिया है और इन्हें नीचे की ओर से नट से बहुत अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब हम साइड के जो तीनों ब्रैकेट्स हैं उन्हें कनेक्ट करेंगे। ये आपको कुछ दिक्कत हो सकती है इसे फिट करने में क्योंकि अंदर की ओर से मैं नट्स भी टाइट करने हैं तो आपको स्पैनर की भी ज़रूरत पड़ सकती है और एक स्क्रू ड्राइवर और एक स्पैनर आपको लग सकता है। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने इसे 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया था तो अभी अच्छी तरह से सूख चुका है और आप जो ये रबर की जो सील देख रहे हैं तो हमें अपने कैप को सील करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे निकाल लेता हूँ बाहर की ओर और इस रिंग को हम कैप के अंदर फंसा देंगे अच्छी तरह से उलट कर। अब इस कैप को लॉक करने के लिए मैं इन 4 इंच की स्क्रूज का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप देख लीजिए कि आपने जो ब्रैकेट्स लगाए हैं उस हिसाब से आपको कितनी लंबाई की स्क्रूज चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ मेहनत पड़ती है बट ये बहुत चीप है और बहुत सस्ता पड़ता है तो आपको जब भी इसे लॉक या अनलॉक करना होगा तो आपको स्क्रूज को खोलना पड़ेगा। मैं सभी मेटल की चीज़ों को सिलिकॉन के एक लेयर से कवर कर दूंगा ताकि उनमें रस्ट न पड़े क्योंकि ये 24 घंटे लगातार पानी के कांटेक्ट में ही रहने वाली हैं तो ये
सड़ सकती है या इसमें रस्ट लग सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अच्छी तरह से सभी मेटल के पार्ट्स को ढक दें और कैप्स में या फिर साइड के ब्रैकेट्स में अंदर की ओर आप उसे अच्छी तरह सिलिकॉन से कवर कर दें। या आप किसी इपॉक्सी ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जेल टाइप आपके पास अगर इंस्टेंट ग्लू है तब उसकी भी एक लेयर पतली सी उस पर लगा सकते हैं। अब मैं फिल्टर मीडिया को फिल्टर के अंदर होल्ड करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ। तो मैंने पीवीसी पाइप के एक पीस को साइड से कट करके इसे खोल दिया है। अब हमें इससे एक शीट तैयार करनी है, तो उसके लिए मैं पहले इसे अच्छी तरह से गैस के ऊपर गर्म करूँगा। इससे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और माँ के हथियार का इस्तेमाल करते हुए मैं इसे पूरी अच्छी तरह से सीधा कर दूंगा। तो हमारा शीट तैयार है और इस पर हम दो रिंग्स को कट आउट करेंगे। इनमें से जो एक रिंग होगा वो हमारे पाइप के इंटरनल डायमीटर के बराबर होगा और जो दूसरा रिंग होगा वो पाइप के एक्सटर्नल डायमीटर के बराबर होगा। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है। तो पीवीसी को आप कट करने के लिए या तो सिर्फ डिवाइडर का यूज़ कर सकते हैं, लगातार डिवाइडर से आप स्कोर करते जाएंगे तो वो अच्छी तरह से वो कट के बाहर आ जाएगा, या फिर आप किसी शार्प टूल का यूज़ कर सकते हैं। बट सेफ्टी फर्स्ट और बहुत ध्यान से इसे कट करिएगा। तो हमारी डिस्क तैयार हो गई हैं दोनों। अब इसमें हमें होल्स बनानी है ताकि इसमें से वाटर पास हो सके। तो ये दोनों तैयार पीसेस हैं। तो इस फिल्टर के लिए मैं कूलर पंप का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि 18 वाट का है। क्योंकि मेरा टैंक सिर्फ 2 फीट का है तो मुझे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे लिए 18 वाट काफ़ी है। बट आप अपने हिसाब से आप इसे बढ़ा भी सकते हो। अब वायर को बाहर करने के लिए मैं एक होल बनाने वाला हूँ जिसमें से हमारा मेन जो पावर सोर्स है वो वायर बाहर आएगा। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पंप में एक खाली कैबिनेट जैसा कुछ बना हुआ है, तो वहाँ हम छोटे होल्स बना देंगे ताकि पानी वहाँ तक आसानी से जा सके। तो हमारा जो वाटर पंप है वो एक कनेक्टर के थ्रू कनेक्टर है, तो अगर ये कभी भी ख़राब होती है तो हम इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं फिल्टर मीडिया को होल्ड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पीवीसी पाइप के कटआउट को अंदर की ओर बेस के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा दिया है और इसकी हाइट है जो आपके वाटर पंप की हाइट से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो भी फिल्टर मीडिया हो वो आपके मेन वाटर पंप से ऊपर की ओर रहे। और जिसके ऊपर हमारा जो डिस्क है वो जाकर अच्छी तरह से फिट हो जाएगा और फिल्टर मीडिया के लिए वो एक होल्डिंग प्लेटफॉर्म का काम करेगा। तो हमारा जो ऊपर का पोर्शन है पाइप कनेक्टर वाला, उसका डायमीटर जो मेन पाइप से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने एक डिस्क को डायमीटर में थोड़ा बड़ा रखा था। अब जो हमारी वायर निकलने की जगह है उसे भी हम पीवीसी सीमेंट से अच्छी तरह सील कर देंगे। और अगर फ्यूचर में आपका पंप कभी भी ख़राब होता है तो बस एक झटके से ये वायर बाहर की ओर आ जाएगा और आप इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब अपने सारे कंपोनेंट्स को असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ टेफ्लॉन टेप का यूज़ कर रहा हूँ ताकि सील है जो बिल्कुल वाटरप्रूफ हो। Thank you.
तो अब हम इसे पेंट कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक मैट फिनिश ब्लैक पेंट का यूज़ कर रहा हूँ। अब हम रबर रिंग को अपनी जगह पे लगा देते हैं। तो ये है हमारा फिनिश प्रोडक्ट और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये ब्लैक पेंट से बहुत अच्छी दिख रही है। तो अब हम अपनी फिल्टर मीडिया को इसमें डालेंगे। और अगर आपको फिल्टर मीडिया के बारे में जानना है और आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सारी फ़िल्टर मीडिया जो भी आप देख रहे हैं ये सब कुछ DIY है, होममेड ही है और सब मैंने घर पे ही तैयार किया है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो हो सके तो मैं इसी पे बनाऊँगा। मैं इनलेट और आउटलेट में होस कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इस वाटर पंप में बहुत प्रेशर जनरेट होता है, तो मैं होस क्लैंप्स का यूज़ करूँगा। तो आप ऐसे होस क्लैंप्स ले लें और मैं रिकमेंड करूँगा आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि हो सकता है इसमें कभी लीकेज आ जाए या फिर होस प्रेशर से बाहर आ जाए। तो मेरे पास लिली पाइप्स होती नहीं तो मैंने PVC पाइप को ही जोड़कर ये बनाया है और आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। और सॉरी मैं इन्हें वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट आप इसे इजीली बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सिंपल डिज़ाइन है। तो हम इस कैनिस्टर फिल्टर का एक ट्रायल टेस्ट लेंगे कि ये कैसा काम करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आउटलेट का जो मुंह है वो काफ़ी खुला हुआ है तो प्रेशर कम आ रही थी, तो मैंने एक PVC पाइप को हीट करके उसे फ्लैट कर दिया तो इस तरह से प्रेशर काफ़ी बढ़ गया और वो टैंक में सरफेस एजिटेशन भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो इस कैनिस्टर फिल्टर को अपने टैंक में यूज़ करते हुए मुझे 1 महीने हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट पाइप में कुछ एलजी लग गई है बट ये अभी बहुत अच्छा काम कर रहा और टैंक भी काफ़ी साफ है। हमारा इनलेट यहाँ है बिल्कुल टैंक के पीछे
और क्रिप्ट अंडोलाटा प्लांट्स के पीछे से दिखता नहीं बिल्कुल, और टैंक काफ़ी खुला खुला दिखता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, और कुछ सजेशंस हैं तो वो भी प्लीज़ ज़रूर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मुझे आइडियाज़ देते रहिए। और फिल्टर मीडिया के ऊपर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दिखा सकूँ।